गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार बच्चों। आज 23 दिसंबर और आप लोगों का 2 बजे से आज एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ लास्ट मिनट टिप्स देने चाहिए। और कुछ मैंने डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके देन वहां से डिसाइड किया, और मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए और आपके क्वालिफाई करने के लिए शायद ये कुछ टिप्स इंपॉर्टेंट होंगी। इसलिए ये सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत लेंदी नहीं लूंगा, बहुत ही जल्दी इसको फिनिश करूंगा। सो गाइज, कुछ लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट करके आना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीजें बता देता हूँ कि लास्ट ईयर जब यही एचपीसीएल का लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का जो कट ऑफ था वो 92 मार्क्स गया था, केवल 92 मार्क्स। उसके पीछे का लॉजिक और रीजन ये था कि अगर आप लोगों ने देखा कि जो पेपर अभी मैंने आप लोगों को एज अ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया, वो कुछ और अलग से पेपर नहीं था, वो लास्ट ईयर एचपीसीएल का ही पेपर था। मैंने ये चीज स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताई थी, कुछ बच्चों ने पर्सनली पूछा तो भी मैंने बताया, और मैं आज ओपन कर दे रहा हूं कि यस, मैंने पूरा पेपर कोई डिजाइन नहीं किया, बट हाँ उसको अपलोड मैंने कराया है। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, आप लोगों को एक फीलिंग देना था और किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये आप लोगों को डिसाइड करना था। काफी बच्चों ने इसका यूज भी किया, मतलब टेस्ट भी दिया, लगभग 200 बच्चों के आसपास बच्चों ने टेस्ट दिया। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 100+ आए। मैं वो सारी एनालिसिस के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि क्या स्ट्रेटजी हो जिससे कि आप गेट सॉरी एचपीसीएल का ये एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए। सो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 92 था, और ये 92 कट ऑफ मतलब इसलिए गया था क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर था, कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था, क्वेश्चन लेंदी थे, इसलिए उनको सॉल्व करना उतना आसान नहीं था। एप्टीट्यूड भी जो आया था वो उतना आसान नहीं था कि आप इजीली उसको सॉल्व कर सके, इसलिए कट ऑफ 92 गया। और लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट मार्क्स था वो 117 था, और शायद अभी तक ये किसी को नहीं पता, आज पहली बार मैं ओपन कर रहा हूं, ये जो हाईएस्ट मार्क्स गया था वो भी उसी बंदे का था जो गेट का टॉपर था, रोहित भगत कलवार, 117 नंबर गए थे उसके, और ये हाईएस्ट मार्क्स था लास्ट ईयर का। और इसी रिक्रूटमेंट से एचपीसीएल में रोहित भगत कलवार का सिलेक्शन भी हुआ, और वो इस टाइम पे एचपीसीएल में ही जॉब कर रहा है। हालांकि उसका सिलेक्शन आईओसीएल में हो गया है और मे बी नेक्स्ट मंथ तक वो वहां पर ज्वाइन कर लेगा, लेकिन इसी रिक्रूटमेंट के थ्रू उसका सिलेक्शन लास्ट ईयर हुआ था। नॉर्मली कट ऑफ जो हम लोगों ने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो लगभग लगभग 140 के आसपास रहता है, कभी इससे कुछ कम, कभी इससे कुछ ज्यादा, बट लास्ट ईयर का सडन ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जो लास्ट ईयर तक का एक और चीज था कि जो कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किए जाते थे वो मिनिमम 50% होने चाहिए थे, लेकिन वो भी किसमें, टेक्निकल में, लेकिन इस बार कुछ चेंज किया गया। तो ये सारे चेंजेस जो आप लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि आप तो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और हम तो हर बार ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता देना चाहता हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मुझे लग रहा है कि इस बार क्या जा सकता है, 106 से 115। अभी ब्लेम मत करिएगा, ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने पेपर नहीं देखा, आज पेपर है दोपहर में, और मैं ये सुबह वीडियो सुबह 5 बजे के आसपास आप लोगों को शूट करके दे रहा हूं। सो इसका मतलब ये है कि अभी मैंने पेपर नहीं देखा तो मुझे ये नहीं पता कितना होगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना जा सकता है। उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ रीजंस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये बता देता हूं कि कैंडिडेट जो फाइनल ईयर स्टूडेंट था वो बहुत कंफ्यूज था कि सर हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर भी दिया, कुछ बच्चों को मैंने मना किया था मत करें। उसके पीछे रीजन इतना सा था कि जिन बच्चों से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपकी डिग्री इसके रिक्रूटमेंट तक आ जाएगी कि नहीं, और अगर नहीं आ जाएगी तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने फिल किया था वो एग्जाम देने आप जाइए, और उसमें क्लियर इन्होंने मेंशन किया, कैंडिडेट्स हु आर इन फाइनल ईयर कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि एक डेट मेंशन है, इस डेट तक हमारा एज क्राइटेरिया होना चाहिए, इस डेट तक हमारा आपके फाइनल डिग्री का क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो मैंने मना किया था। जो अभी फाइनल ईयर में है, अब उनका पेपर ही होगा कब, आपका बेटा ये 7th सेम होगा तो आपका पेपर कब होगा, ये जून मई में,
और फिर रिजल्ट कब आएगा तो आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। लेकिन कोविड की वजह से कुछ लोगों का सेशन डिले हुआ था और वो लोग अभी एडसेम में थे, वो लोग कुछ मतलब उनका थोड़ा सा रिजल्ट डिले हुआ था, वो लोग इलिजिबल थे, ठीक है। बट किसी ने भी फॉर्म अप्लाई किया है तो कम से कम अभी यार जाओ फाटक तो देखाओ, आई मीन कि कम से कम एग्जाम का एक्सपीरियंस ही ले आओ, तो जाना सबको है। बीटेक 4 ईयर कोर्स के लिए अब कुछ बंदों के ये डाउट थे कि सर जो डिप्लोमा करके गए हैं वो इलिजिबल है कि नहीं है, तो बेटा जो डिप्लोमा करके जाते हैं उनका ऑलरेडी 3 ईयर डिप्लोमा वो कंसिडर किया जाता है, जिसके बेसिस पे कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो कंसीडर करते हैं कि वो इलिजिबल है, कुछ करते हैं नहीं इलिजिबल है। तो उसके लिए जो बच्चे मुझसे पर्सनली पूछे मैंने उनको आंसर कर दिया है। और डिग्री में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे क्या कोर केमिकल नहीं तो कोर केमिकल के साथ साथ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग ये एलिजिबल है। और उनके 60% मार्क्स जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के होने चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 50% होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप फुलफिल कर रहे होगे और एज क्राइटेरिया 18 सितंबर 2023 के बेसिस पे चेक किया जाएगा। खैर अभी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो आज ये सेशन लेने का है वो और कुछ और है, वो अभी मैं बताता हूँ। सिलेक्शन का प्रोसीजर ये आपके 4 पार्ट हैं, जिसमें पहले सीबीटी जो आज आपका होने वाला है, देन इसके बाद ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, देन इसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद जो टॉप के बच्चे होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सीबीटी सबसे पहला जो आज एग्जाम देने जा रहे हो इसका क्राइटेरिया क्या है भैया, ये कैसे क्वालिफाई करोगे तो उसके बारे में मेन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप एक माइंड मेकअप करके जाइएगा कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। नंबर वन, ओवरऑल क्वालिफाइड इन सीबीटी। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोर केमिकल के जो सब्जेक्ट होंगे उसमें आपको 50% गेन करना था, ये लास्ट ईयर तक का कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता था, लेकिन इस बार का क्राइटेरिया चेंज हुआ, इस बार का सिलेबस भी चेंज हुआ, नंबर ऑफ वैकेंसी भी चेंज हुई है। तो जो हमारा क्राइटेरिया चेंज हुआ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल नहीं माना, इसमें एक और क्राइटेरिया केमिकल वाला तो है ही, एक और क्राइटेरिया इंक्लूड किया है कि टोटल जो सीबीटी मार्क्स होगा ओवरऑल क्वालिफाइड इन सीबीटी जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 60% फॉर जनरल एंड मतलब यूआर एंड ईडब्ल्यूएस, ओपन कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, मतलब टोटल पेपर कितने का है 170 मार्क्स का, 170 मार्क्स में 60% मतलब मिनिमम 102 मार्क्स लाना ही लाना पड़ेगा, और 54% फॉर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट। तो 54% का मतलब हो गया 91.8 के आसपास आएगा, तो 92 मतलब अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 102 आपके मिनिमम हो तब आप क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज क्वालिफाई ही नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस सॉरी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो मिनिमम 92 मार्क्स होने चाहिए, तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि इससे नीचे होगा तो होगा ही नहीं, मतलब जनरल कैंडिडेट वालों को 102 से ऊपर लाना लाना है, तो भैया कम से कम आपको 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है, वो भी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ, मतलब आपकी 100% एक्यूरेसी हो तो कम से कम 120 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 170, मिनिमम 120 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 120 अटेम्प्ट करने के मतलब मैक्सिमम 99% 98% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर आप कुछ तुक्के मार रहे हो कि क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, अच्छा बी सी डी तीन में कोई एक हो सकता है, ए नहीं होगा या ए और डी नहीं होगे, बी और सी में कोई हो सकता है, तो कौन सा तुक्का मारे, उस केस में अगर आप कुछ तुक्के खेल रहे हो ना तो आपको फिर 150 तक अटेम्प्ट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं अभी और इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा लास्ट मिनट की, समझिएगा। फिर इसके बाद सेकंड क्या है, टेक्निकल या फिर जो भी है आपका ये प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। तो ये टेक्निकल, हम केमिकल वाले हैं, टेक्निकल में 50% क्वालिफाइड फॉर ऑल कैटेगरी। एक और कि भैया आपके टोटल तो इतने होने चाहिए जनरल के लिए 60 और ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 54%, लेकिन 50% आपके सेकंड टेक्निकल पोर्शन में होना चाहिए। यहां से अब आप समझे क्या कि टेक्निकल को सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर वन,
आप सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन अटेंड करेंगे, एप्टीट्यूड वाला बाद में करेंगे। अगर आपको लास्ट में टाइम नहीं मिले तो भैया एप्टीट्यूड वाले के 85 क्वेश्चन आंख बंद करके सबके ए ए भी मार दोगे, तब भी 10% मार्क्स आ जाएंगे, तब भी आपसे आपके 8.5-9 नंबर आ जाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन 50% तो केमिकल में सही होना ही होना चाहिए। इसका सिंपल सा मुद्दा, सिंपल सा मतलब ये हो गया कि टेक्निकल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 85 क्वेश्चन वहां पर होंगे, मतलब 42.5 मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो। तो ये मत सोचना मेरा एफटी अच्छा है, मैं एफटी कर लेता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी कुछ पॉइंट और बताऊंगा आपको, सुनते जाइएगा। आपको पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करना है, बाद में आप अटेम्प्ट करेंगे एप्टीट्यूड को, याद रखिएगा। और टेक्निकल जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो एनी हाउ टेक्निकल में आपके 50 सही होने चाहिए, 42.5 आई नो, लेकिन तब भी आपके 50 सही होने चाहिए आउट ऑफ 85। मतलब 85 में 10-15 क्वेश्चन छोड़ के मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करेगा। तो आपका एम होना चाहिए कि मैं टेक्निकल में कम से कम 60 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करूंगा, तब आप कहीं 42.5 पे पहुंच पाओगे। क्योंकि कुछ ना कुछ गलत होते हैं, जो हमें लगता है 100% सही है वो भी गलत हो जाते हैं। तो एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि टेक्निकल मैं पूरे के पूरे करने का ट्राई करूंगा, लेकिन उन क्वेश्चन को नहीं टच करूंगा जो लेंदी होंगे, जिनको पढ़ने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, या जिनको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, या जिनमें कैलकुलेटर की नीड होगी, उनको मैं छोड़ दूंगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन छोड़ दो भैया, 70 करके आना, 70 में कुछ गलत हो जाएंगे, 60 सही हो जाएंगे, 50 सही हो जाएंगे, निकल जाओगे। टेक्निकल पहले करिएगा, ठीक है, ये सेकंड। अब थर्ड, एक और कंडीशन है कि आपका मिनिमम 50% निकल जाए, इसके बाद आपका आपकी कैटेगरी में ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए, देन इसके बाद मेरिट बनेगी, टेस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और उस ऑर्डर ऑफ मेरिट के बेसिस पे जितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे होंगे उनके डॉक्यूमेंट, मतलब जो क्वालिफाई हो गए उनमें से ऊपर से जितने बच्चों को ऑन रेशियो कॉल करना है उतने बच्चों के डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे जो आपने भेजा है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे उनको कॉल होगी जीटी की, ग्रुप टास्क की। अगर आपका निकल जाता है तो ग्रुप टास्क के लिए हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आप बस अपनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाइए कि सर मेरा निकल गया। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया है, आप पढ़ते सब लोग हो, क्योंकि ऐसा कौन होगा जो सीआरई का सब्जेक्ट मेरे से ना करे, जो पीसी का सब्जेक्ट मेरे से ना करे। अगर आप मेरे पुराने प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हो तो मैथ पीडी ये भी आपने किया होगा, और इस बार मैं थर्मो भी लेने वाला हूं। इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो सीआरई के लिए, मेरा प्लेनेट गेट का यूट्यूब के जो 4 मॉड्यूल है वो तो फॉलो किया ही होगा। तो आप मेरे स्टूडेंट हो, नहीं भी हो तो भी आप जीटी के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको गाइड करूंगा कैसे कैसे होगा, क्या होगा, जीटी के टॉपिक क्या होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर आप जीटी के लिए देन पीआई के लिए आप सेलेक्ट होंगे, जब वहां का भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो क्वालिफाई कर लेंगे, तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब मेडिकल क्वालिफाई हो जाएगा देन जितने बच्चे होंगे उनकी लिस्ट बनेगी, फिर मेरिट के बेसिस पे उनको कॉल की जाएगी। ये पूरा क्राइटेरिया है, देखो लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच ऑफ दी स्टेज, हर स्टेज में, सीबीटी में, फिर जीटी में, फिर पीआई में, और मेडिकल तो आपका सही होना चाहिए। तो तब आपको क्या किया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। ये सारी चीजें तो आपको क्लियर होगी। फिर अभी सुनना, अभी छोड़ नहीं देना, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करो। मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था, लगभग लगभग 200 बच्चों ने इसका बेनिफिट लिया, टेस्ट दिया, और ये इसलिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था ताकि हर एक बच्चा टेस्ट दे सके, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने 150 मिनट कैसे स्पेंड करोगे उसका क्राइटेरिया बना सको, उसकी एक स्ट्रेटजी बना सको। लेकिन बहुत सारे बच्चे, लगभग 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स निगेटिव आए हैं इसमें, और उन्होंने पेपर नहीं दिया, उन्होंने बस स्टार्ट किया, 5-10 क्वेश्चन तुक्के मारे, छोड़ के चले गए। 3 बच्चों के निगेटिव आए, मैं नाम नहीं बताऊंगा ना उनकी लिस्ट जारी करूंगा। 7 बच्चों के 0 आए, और इसके अलावा बाकी किसी के 2-3-5-10 ऐसे करते करते
चार बच्चे ऐसे जिनके 100+ आए, और टॉप 20 की जो लिस्ट है वो तो मैं आप लोगों को डेली अपडेट कर ही रहा था। खैर जो भी आप लोगों ने किया अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अभी चाहो तो दे सकते हो, लेकिन अब मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट नहीं है क्योंकि अभी फिर कुछ घंटे बाद आपका मेन एग्जाम होने वाला है। अब जाओ जैसे जाना हो, लेकिन स्ट्रेटजी सुन के जाओ, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। मैंने थोड़ा सा एनालिसिस की, एनालिसिस उन बंदों की जो टॉप 5 थे इस मॉक टेस्ट में। इसकी बंदे की पहली रैंक है, मैं नाम वाम यहां मेंशन नहीं किया क्योंकि लिस्ट में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। भाई की पहली रैंक है जिसके 134.75 मार्क्स आए, एक्यूरेसी 91.39, मतलब इतने मार्क्स लाने के बाद भी इसकी एक्यूरेसी 100 नहीं पहुंची, लगभग 91% के आसपास है। ठीक है, परसेंटाइल इतना रहा, ठीक है 151, मतलब पूरा टाइम देने के बाद भी ये पूरे 170 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया, या नहीं किया किसी रीजन से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए या नहीं आए, जो भी रीजन है। करेक्ट कितने हुए, 131 में 138 करेक्ट हुए, 13 इनकरेक्ट हो गए इस बंदे के भी। अच्छा मैं इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर रहा हूं, तो एनालिसिस ये आई बेटा कि स्कोर 69 आए हैं एप्टीट्यूड में और 65.75 आए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। एप्टीट्यूड में ज्यादा है, केमिकल में कम, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग को अटेम्प्ट करने के लिए इन्होंने टाइम दिया 38 मिनट 24 सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ मैं मान लू 40 मिनट लगभग, है ना, 40 मिनट टाइम दिया। उस 40 मिनट में अटेम्प्ट किए 77, करेक्ट हुए 68 और इनकरेक्ट हुए 9, तब भी 65.75 मार्क्स इनके आ गए। और जबकि एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट करने में इन्होंने टाइम दिया 1 घंटे 24 मिनट, 1 घंटे 25 मिनट में मान लेता हूं लगभग राउंड अप करके, 1 घंटे 25 मिनट का टाइम दिया, तब अटेम्प्ट किया 69, सॉरी अटेम्प्ट किया 74, मार्क्स आए 69, 4 इनकरेक्ट हो गए। इसका मतलब टेक्निकल कम टाइम देना पड़ा और एप्टी में ज्यादा टाइम देना पड़ा, कहां 40 मिनट और कहां 1 घंटे 25 मिनट। इसका मतलब टेक्निकल पहले करना है। ठीक है, मैं अब बात करता हूं जिसकी रैंक 2 आई, रैंक 2, ठीक है, इनकी एक्यूरेसी 79.4 हो गई। इन्होंने थोड़ा सा मतलब मैं भी तुक्के मारे हो, गलत हो गया हो, जो भी रीजन हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 बंदों में एक बंदा मुझे ऐसा मिला जिसने टेक्निकल को टाइम ज्यादा दिया और एफटी को टाइम कम दिया। 51 मिनट या 52 मिनट एफटी को टाइम दिया, तब हमारे मार्क्स आए हैं 51.25, और जब यहां पर कितना 95 मिनट टाइम दिया, तब यहां पर मार्क्स आए हैं 75। इन्होंने टेक्निकल को थोड़ा टाइम भी ज्यादा दिया और मार्क्स भी ज्यादा गेन किया, एफटी पे इन्होंने फोकस कम किया, इसका मतलब इनका टेक्निकल पोर्शन ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए ऐसा इन्होंने किया। अच्छा थर्ड में आ जाता हूं, जिसकी रैंक थर्ड है, उसने टोटल 94% एक्यूरेसी के साथ 124 मार्क्स गेन किए। अब इनका देख लेते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के लिए दिया 2 घंटे और टेक्निकल केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ 27 मिनट, और उसके बाद आप देखिए 2 घंटे एप्टीट्यूड, 27 मिनट ओनली टेक्निकल, तो टेक्निकल पोर्शन में टाइम कम लगा और कहीं एफटी में कहीं ज्यादा टाइम लगा, और मार्क्स टेक्निकल में ज्यादा है एफटी में कम आए। नेक्स्ट जिनकी रैंक है 4 और मार्क्स है 105.25, एप्टीट्यूड में इन्होंने टाइम दिया 1 आवर 34 मिनट और टेक्निकल में टाइम दिया 32 मिनट। सिंपल सा मुद्दा है, एप्टीट्यूड बाद में करिए और टेक्निकल पहले करिए। देखिए अगर आपका एप्टी पोर्शन बहुत अच्छा है तो आप पहले भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो हमें देखने को मिल रहा है टेक्निकल में 50% मार्क्स चाहिए और टेक्निकल थोड़ा सा आसान रहेगा, एफटी में किसी क्वेश्चन में फंस गए पता नहीं कितना टाइम चला जाए, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट ये मेरा सजेशन है, बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि आप पहले टेक्निकल अटेम्प्ट करिए, जो एक बार देखने में क्वेश्चन आ जाए उसको अटेम्प्ट करिए, बाद में पलट के दोबारा देखने का टाइम मिलेगा नहीं। तीसरा, जबरदस्ती के तुक्के मत मारिए, कोशिश करिए कि अगर क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सॉल्व करके आंसर करें। कैलकुलेटर शायद आपको नहीं मिलेगा, लास्ट ईयर तो नहीं था, इस बार आप चेक कर लेना कि आपके कहीं डैशबोर्ड में दिख रहा है क्या, इंस्ट्रक्शन पहले से अच्छे से पढ़ लेना। तो चौथा, अगर कैलकुलेटर नहीं है, वैसे होगा नहीं, तो आपको जबरदस्ती पेन से कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना फास्ट कैलकुलेशन भी करिएगा अगर करना पड़े, क्योंकि जो डिजिट होंगी वो 5 के टर्म में 10 के टर्म में ऐसी होंगी जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। पांचवा, जाने से पहले एक बार एलएन2
LN5, LN10, इनकी वैल्यू जरा पढ़ के जाना, हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लॉग के जो फार्मूले होते हैं, e^x के जो फार्मूले थे वो एक बार पढ़ के जाओ, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। नेक्स्ट आप एग्जाम देने से पहले अगर कुछ कुछ सब्जेक्ट के जो आपके शॉर्ट नोट्स हो, उस शॉर्ट नोट्स को अगर रिवाइज किए हैं आपने प्रॉपरली, और जो फार्मूले आपके भूल रहे थे वो फार्मूले का पेज लिए चले जाओ, और रास्ते में अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, लेकिन प्रेशर मत लेना, टेंशन नहीं लेना, जितना हो गया बहुत है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचने का ट्राई करिए, और अपने स्ट्रेस को रिलीज करिए, जाके आराम से पेपर दे के आइए, लेकिन वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी से बात नहीं करना, किसी की हेल्प नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन पे आपका दिमाग होना चाहिए, और बस आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अगल बगल का देखने का कोई नीड नहीं है, अपने आप में फोकस करिए। नेक्स्ट आप किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से मार्क्स आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी सेक्शन पहले करिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को ऐसा ना हो कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट दे रहे हो। किसी क्वेश्चन में अगर दो दो मिनट में आंसर आ रहा है तो दे सकते हो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 30 सेकंड में भी आंसर आ जाएंगे। तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं, फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, और बाकी आप अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। ठीक है, मैं ये सारे एनालिसिस इसलिए लेके आया ताकि आपको ये फील करा पाऊं। सो मेरी तरफ से आपको विजयी भव का आशीर्वाद है, मेरी बेस्ट विशेज है, गुड लक है, ऑल द बेस्ट है उन सारे एस्पिरेंट्स को जो आज के दिन एसपीसीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं। बेटा जाओ, फतेह हासिल करके आओ, अच्छे से करके आना, प्रेशर मत लेना, क्योंकि कोई भी एग्जाम आखिरी एग्जाम नहीं हो सकता। एक ट्रेन छूट जाने के बाद उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दूसरी ट्रेन हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि पहली ट्रेन मिल जाए तो आप जल्दी पहुंच जाओ, दूसरे ट्रेन से थोड़ा लेट हो जाओगे। अरे इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, बस ये हो सकता है कि आप 1 साल डिले हो सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर पहुंचने के दरवाजे बंद हो गए हो, उसके बाद वहां जाने की कोई ट्रेन ना हो, एसपीसीएल का आज के बाद रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो प्रेशर मत लीजिएगा, आराम से जाइए, मस्त तरीके से अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, और अगर आपने ये वाला मॉक टेस्ट दिया हो तो आपने लेवल देख लिया होगा, जबकि ये बहुत ही अटेंडम करवाया था, और गेट का जो प्री गेट है बेटा, अगर नहीं लिया ना तो अभी ले लो, ठीक है, 199 रुपीज का है, या फिर देख लो शायद कुछ क्रिसमस डे या न्यू ईयर ऑफर आ जाए तब ले लेना, लेकिन ले जरूर लेना, ये आपकी किस्मत बदल देगी, आपके मार्क्स कम से कम 20 नंबर आपके एग्जाम गेट एग्जाम में बढ़ा देगी। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ये कोई कॉस्टली नहीं है बेटा, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही सस्ती चीप है, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। 8 टेस्ट होंगे, अब आप डिसाइड कर लेना बाकी डिटेल। ठीक है, प्रोसेस कैलकुलेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है न्यू बैच में, आप लोग चाहे तो ज्वाइन करिए और सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर जिसका भी एसपीसीएल का रिटेन सीबीटी अच्छा जाता है, क्वालिफाई होता है, वो मुझे इस नंबर पे अपना मैसेज ड्रॉप कर दे या कॉल करके मुझे इन्फॉर्म कर दे, ताकि मैं आप लोगों को जीटी और पीआई के लिए गाइड कर सकूं। चलिए, तो अभी का ये सेशन यहीं पर एंड करेंगे, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे एग्जाम, और अच्छे से फतेह हासिल करके आना। लव यू ऑल, जय हिंद बच्चा।